हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम यू बैक अगेन टू माय चैनल। और एक ब्लॉग में आप लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत है। एंड आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड आप सबकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो कल का जो ब्लॉग था वो बहुत अच्छा होगा। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ओडिया डिश के ऊपर था, लाइक छेना तरकारी के ऊपर, तो वो मैंने कल ट्राई किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाला मेरा वीडियो देखा नहीं तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आज का जो ब्लॉग है वो लाइक ऑथेंटिक स्पेशल पखड़ा थाली है, जो क्योंकि आज वेडनेसडे है तो मैंने सोचा चिकन भी है तो उसके साथ क्यों ना मतलब पखड़ा भात खाया जाए, और उसके साथ कुछ और भी आइटम्स मैं बनाऊंगी। तो आज का पूरा वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर लेना कि आज का वीडियो कैसा लगा। एंड बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे की अपडेट्स आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करो। तो चलो अभी हम लोग बनाने चलते हैं। कैसे क्या कर रहे हैं तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट कर लिया है, और ये जो बॉडी होता है ना इसको मैंने ला के रख दिया, इसको बनाऊँगी अभी मैं। और चिकन भी मैरिनेशन करने के लिए अभी मैं करूँगी इसको, चिकन को मैरिनेट। बस इसमें हल्दी अभी डला है तो इसको भी मैरिनेशन भी करूँगी मैं। तो इसमें से थोड़े चिकन में डाल मतलब निकाल दे रही हूँ, ताकि शाम को मैं थोड़ा पकोड़ा बनाऊँ। बहुत दिन से मैंने नहीं खाया है, मतलब पकोड़ा नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि अगर लाए ही है तो थोड़े निकाल दूँ, पकोड़ा बनाएंगे, चिकन पकोड़ा। और साथ ही साथ अभी जो बनाने वाली हूँ उसका भी रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखो, मैंने जितने भी सारे बोनलेस पीस थे वो सारे मैंने अभी निकाल दिया है, ये सब मैंने अभी निकाल दिया है। हाँ ठीक है, बस ये हमारा होगा चिकन पकोड़ा के लिए मैरिनेशन करूँगी अलग से, और ये अभी जो चिकन कोस्सा बनाऊँगी उसके लिए मैरिनेशन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखो लिया है कॉर्नफ्लोर, थोड़ा हल्दी और थोड़ा चिकन मसाला और थोड़ा गरम मसाला लिया है, ये सबको मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा ये जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट था वो थोड़ा डाल देंगे, और फिर एक अंडा। एक ही अंडा डाला क्योंकि कमी है, इसीलिए मैंने एक ही अंडा डाला इसमें। अब इसको अच्छे से मैं पूरा मिक्स कर दूंगी और इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी, ताकि मैरिनेशन हो जाए इसके अच्छे से ही। इसको मैं शाम को इवनिंग में बनाऊंगी। पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि सारे मसाले पूरा अच्छे से जाए इसके अंदर। पूरा मिक्स कर दिया मैंने, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाकी का जो प्रिपरेशन है वो सब अभी करूंगी, स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं गैस ऑन कर देती हूँ, और ऑन करके ये जो बड़ी दिखाया था ना ये पहले कर देती हूँ, क्योंकि इसका चूरा भी बनाना है बड़ी का। जब तक हमारे कढ़ाई गर्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा देख लूँ क्या है बनाने के लिए। तो एक बैंगन है, बाकी नहीं करेला नहीं खाना मेरे को, सीरियसली और कुछ नहीं खाना अभी। हाँ टमाटर है तो टमाटर ले लेते हैं, टमाटर दो ले लेती हूँ मैं। ओके और भाई निकल जाए। हाँ आई हो गया, अब इसको रखती हूँ अंदर, इसको बंद। तो ये तीन के साथ मैं कुछ एक अच्छा सा आइटम बनाऊंगी अभी। तो अभी देखो बहुत ही इजी आइटम है। तो अभी हमारी कढ़ाई भी पक चुकी है, सॉरी कढ़ाई पक चुकी नहीं है, सॉरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। वेट अभी तेल डाल दूंगी इसमें मैं, अच्छे से थोड़ा तेल डाल दूँ। तेल डाल दिया, अब इस बड़ी को भी हम लोग डाल देंगे इसमें। तो अच्छे से इसको ये पूरा अच्छे से पक जाना चाहिए, देन इसको ये ठंडा हो जाएगा, इसको डाल के फिर हम इसको पूरा चूरा बना देंगे, जो बॉडी चूरा होता है ना वो।
के अंदर हम लोग डालेंगे गार्लिक गार्लिक और जो ग्रीन चिली होता है उसको मिला के एक चूरा बनाएंगे। पहले इसको हम लोग पका देते हैं अच्छे से, इसमें और थोड़ा तेल लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। ये देखो अभी ये पक चुका है पूरा, रेडी ब्राउन हो चुका है। अभी इसको निकाल देंगे और मैंने ये यहाँ पे सेकने के लिए इसके अंदर लहसुन छील के रखा है और ये टमाटर, ये दोनों को भी यहाँ पे कर दूँगी, सेक दूँगी पूरा अच्छे से ही। अभी इसको निकाल देती हूँ मैं, अब ऐसा करके इसको सब निकाल दूँगी। नमक राम तोड़े मोड़े मने उड़े वीडियो कर ची बनने को दोनी हम निकालते हैं इसको और मसाला अभी रेडी हुआ नहीं है, इसमें हम लाल मिर्च और चिकन मसाला भी डालेंगे, इसको अच्छे से पका देंगे। जब तक पक रहा है तब तक ये मैं ट्राई करती हूँ, ये बटर मिल्क छाछ।
तो ये है हमारा दही पकौड़ा, ठीक है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, मिर्ची भी डाल दिया है, और ये है जो टोमेटो और टमाटो बैंगन प्याजो वाला जो भरता है वो है इसमें, वो बड़ी चूरा है, इसमें सागो भजा है, इसमें चिकन कोसा। तो ये देखो आज का पूरा आइटम ये है। तो अभी मैं बैठ कर ये पूरा आइटम एंजॉय करती हूँ। और अगर आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कर लेना कि वीडियो कैसा लगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और चैनल को विज़िट करो अगर अच्छा लगे देन लाइक।